तो फाइनली जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की पूरी सीरीज थी वो अवेलेबल हो चुकी है फ्लिपकार्ट पर, तो आप जाकर बाय कर सकते हैं किसी भी बोर्ड के लिए। कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर जो भी आपको चाहिए वो एमबी कलेक्शंस में आपको सारा मिल जाएगा। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं जो कि हमारा जो हमने सबसे पहले डाला था छोटे ट्रांसफॉर्मर में वो ये है 3030 6 एम्पियर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में 1.5 किलो का पीस है ये। आप अगर इसे बाय करेंगे तभी आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगेगा। ये आप साइड में से देख सकते हैं, हमने इसकी लिस्टिंग में भी साफ लिखा हुआ है कि ये इम्पोर्टेड कोर से बना हुआ है। जो अंदर व्हाइट कलर की कोर होती है ये इम्पोर्टेड कोर कहते हैं इसे। जितनी अच्छी कोर होती है उतना ही अच्छा ट्रांसफॉर्मर का लाइफ होती है। तो ये जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर है जैसे कि ये दिखा देता हूं मैं, ये देखिए 24024 6 एम्पियर में, ये बिल्कुल सेम पीस है, इसमें सेम वेट है, बस वोल्टेज का फर्क है और सेम क्वालिटी है। इसके अंदर भी इम्पोर्टेड कोर लगी हुई है। तो हमारा एमिग्रेशन का जितना भी माल है जितना भी सामान है वो सारा इम्पोर्टेड क्वालिटी में बनता है। तो आप इसे एक बार बाय करें और इसको ट्राई करके देखें। तो अब मैं आपको बता दूं 12012 से लेकर आपको 6060 तक जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं सारे 12012 3 एम्पियर, 30030 6 एम्पियर, 24024 6 एम्पियर, 18018 6 एम्पियर। देन उसके बाद आती है हमारी ट्रॉयडल की जो सीरीज है, ट्रॉयडल में आपको मिल जाता है 50050 15 एम्पियर, जो कि ये जैसे ये पीस रखा हुआ है ट्रॉयडल है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये 50050 ये 50050 ट्रॉयडल है, काफी अच्छी क्वालिटी में है। तो 50050 के बाद आता है 55055 20 एम्पियर और फिर आता है 60060 25 एम्पियर। तो इसको मैं एक बार आपको वेट उठाकर दिखा देता हूं, ये तो काफी ज्यादा भारी है, इसको ऐसे उठाना इतना आसान नहीं है। तो ये लगभग 7 से 8 किलो का पीस है एक। तो आप इन सब की क्वालिटी आपको हमारी जो रेटिंग्स हैं उसमें भी आपको नजर आ जाएगी। बाकी अगर मैं कोई ट्रांसफॉर्मर भी कोई खुला हुआ नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता, बाकी आप यहीं से देख सकते हैं कि इसमें इम्पोर्टेड कोर लगी हुई है। तो जो 3030 ट्रांसफॉर्मर है ये बेसिकली आप जो छोटे 5200 के बोर्ड होते हैं जिसमें 2 ट्रांजिस्टर 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 2SC5200 के, उसमें आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है जो 18018 जो कि यहां पर रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल सेम बिल्ड क्वालिटी है, बस वोल्टेज का अंतर है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि ये भी कितना हैवी पीस है, ठीक है। तो 18018 जो बेसिकली काफी ज्यादा 3770 जो बोर्ड होते हैं उनमें काफी यूज होता है और उसमें ये इतना अच्छा चलता है ये ट्रांसफॉर्मर। तो वैसे आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3770 खरीदते हैं 18018 से चलने वाला एमवी कलेक्शंस का, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस ट्रांसफॉर्मर से चला सकते हैं उसे। जो 18018 ट्रांसफॉर्मर चलने वाला जो हमारा 3770 बोर्ड है उसको हम 3030 से टेस्ट करके भेजते हैं, जिससे कि आगे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप उसे 3030 से चलाएं, आप उसे 18018 चलाएं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। और ये 6 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छे पावर दे सकता है ये 3770 वाले बोर्ड को, जो कि 18018 है। बाकी 12012 वाला जो ट्रांसफॉर्मर है वो उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। बाकी किसी को कोई क्वेश्चंस हो वीडियो से रिलेटेड जो आप देख रहे हैं तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और ये जो 12012 का जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी बहुत ही अच्छा है, उसकी भी हमने थोड़ी सी क्वालिटी और अपग्रेड कर दी है, तो उसको भी आप जाकर बाय कर सकते हैं। 12012 भी आप 3770 में यूज कर सकते हैं या किसी भी होम थिएटर बोर्ड में यूज कर सकते हैं। वो सारे जो भी इस तरह से बोर्ड होते हैं, जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं, वो भी सारे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं एमवी कलेक्शंस के द्वारा फ्लिपकार्ट पर। तो एमवी कलेक्शंस जो है एक प्रॉपर ब्रांड है ये, इसका जो माल है वो मार्केट में भी सप्लाई होता है हमारा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं जो भी बाहर बिकता है, बट ऑनलाइन आपको पता है कि आपको काफी सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या फिर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रॉयडल अगर आप लेना है किसी भी 1000 वॉट 500 वॉट या 600 वॉट के लिए, तो उसके लिए भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी हमारा एक क्लास जी का भी एक नया बोर्ड आया है जो कि 500 वॉट RMS का है, तो उस क्लास जी बोर्ड को भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम इनपुट जो हमें देना होता है वो 40040 देना होता है। तो उसके लिए भी हम ट्रांसफॉर्मर अब बना रहे हैं, उसको वो भी काफी जल्दी ही हम रिलीज करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर, उसकी वीडियो हम सेपरेटली बना देंगे। वो इससे थोड़ा और बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा, ये और चौड़ा होगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल सके। तो उस क्लास जी बोर्ड को बाय करने के लिए या फिर कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड जो कि
आप बाय करना चाहते हैं या आपको बाय करना है तो वो आप एमवी कलेक्शन का एक बार खरीदें और उसकी क्वालिटी देखें। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी कुछ भी बाय करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी किसी को कुछ भी क्वेश्चंस करना है कि ट्रांसफार्मर के बारे में या कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसने खरीदा है, तो प्लीज उसको कमेंट करें नीचे और रेटिंग भी दें हमें फ्लिपकार्ट पर, जिससे कि हम और अच्छे से ग्रो कर सके। हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है या फ्लिपकार्ट में जो भी हमारे बायर हैं, वो सब और ग्रो कर सके। तो ये थी आज की वीडियो।